हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ड्रेस कोड है वो GTO का है। तो इसका मतलब ये है कि आज कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी होने वाली है। तो आज जो वीडियो है वो है कि जो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होता है इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में, तो उससे रिगार्डिंग एक ये वीडियो है। उसमें पूरा जो प्रोसेस होता है और क्या वो प्रोसेस करने का तरीका है और कैसे आप फिज़िकल में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इन सब का जो डिटेल है वो पूरी आज हम देखेंगे कि कैसे उनको हम क्लियर कर सकते हैं जितने भी टेस्ट होते हैं। तो उन सब की डिटेल हमें बताएंगे SSR पोस्ट पे सिलेक्टेड देवानंद मिश्रा। तो आपने देखा था कि इन सर की वीडियो हमने इंटरव्यू बनाया था, एक इंडियन नेवी मैंने दिखाया था कि इंडियन नेवी SSR पोस्ट पे सिलेक्टेड एक कैडेट का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो इंटरव्यू हमने लिया था इनका। और यही बताएंगे कि फ़िज़िकल टिप्स क्या हो सकते हैं इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए, ताकि आप फ़िज़िकल में भी क्वालिफाई हो सकें। तो हेलो सर। हेलो सर, आप आज बच्चों को ये बताइए कि क्या क्या प्रोसेस होता है इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का, और पूरा राइट पोजीशन क्या होती है हर एक चीज़ की। तो पहले आप पूरा प्रोसेस बता दीजिए क्या क्या होता है। ऐसा जैसे पहले हम देखते हैं कि पहले तो दोनों ही एग्ज़ाम में रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद ही फिज़िकल होता है। तो सर फिज़िकल का प्रोसेस लगभग दोनों का सेम होता है। सबसे पहले आपका रनिंग होता है 1.6 किलोमीटर का, जिसके लिए नेवी में 7 मिनट का टाइम दिया जाता है और एयरफोर्स में 6.5 मिनट का टाइम देते हैं। और उसके बाद फिर 10 पुशअप्स मारते हैं, मतलब दोनों के लिए 10 पुशअप है और 20 उठक बैठक दोनों में सेम प्रोसेस है। और सर इसके अलावा बस सेम है सर। तो जैसे आपको रिटर्न क्वालिफाई होता है और उसका रिजल्ट आता है, तो उसी दिन आपका PFT के लिए एडमिट कार्ड इशू हो जाता है कि भाई इस डेट को आपका फिज़िकल है और आपका रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो सर आप ये बताइए कि जैसे इंडियन नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में दोनों का आपने फिज़िकल दिया हुआ है, तो कैसे क्या रिपोर्टिंग होती है और टाइम क्या होता है और कैसे आगे का प्रोसेस होता है? सर लगभग तो मतलब जैसे मॉर्निंग में रिपोर्टिंग टाइम देते हैं, मतलब बैचेज में डिवाइड कर देते हैं बंदों को। तो जो सबसे मॉर्निंग वाला शिफ्ट होता है वो हमें 5 बजे रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद 1 घंटे तक वो ब्रीफिंग वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर रनिंग के लिए दौड़ा देते हैं। और उसके बाद रनिंग के जस्ट तुरंत बाद ही मतलब बिना रेस्ट दिए पुशअप्स मरवाएंगे 10, और उसके बाद 20 उठक बैठक। और सर फिर अगर 10 किसी का 10 बजे वाला बैच है या फिर दोपहर का बैच है, तो उसमें भी सर सेम प्रोसेस होता है। तो सर ने बता दिया कि जो प्रोसेस होता है दोनों का लगभग सेम ही होता है। स्टार्टिंग में आपको मॉर्निंग में 5:30 से 6 रिपोर्ट करना होता है, फिर सबसे पहले रनिंग कराते हैं। अगर थोड़ा गर्मियों का टाइम है तो रनिंग और भी जल्दी हो जाती है, अगर सर्दियों का टाइम है थोड़ा वेट करते हैं कि भाई थोड़ा ब्रीफिंग वगैरह हो जाए, उसके बाद रनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे अगर मैं अम्बाला का एग्जाम्पल दूँ, तो अम्बाला में क्या होता है कि जैसे एयरफोर्स हो चाहे नेवी का, उसमें 5:30 बजे एंट्री हो जाएगी आपकी, और मतलब जो उसका एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड है उसके एंट्री होते ही वहाँ पे जो एयरमैन होते हैं या इंडियन नेवी के जो सोल्जर होते हैं वो आपको एंट्री देंगे और अलग अलग बैच में डिवाइड कर देंगे। ऐसे लाइन बनी होती हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग, तो उसमें आपको वहाँ पे बैठना होता है। फिर बताते हैं कि भाई ये चेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चेस्ट नंबर के हिसाब से आपका बैच बना देंगे कि भाई 1 से लेकर 100 तक के बच्चे इतने रनिंग करेंगे, ऐसे अलग अलग बैच डिवाइड हो जाएगा। तो रनिंग के बाद फिर पुशअप्स होते हैं, पुशअप्स के बाद फिर उठक बैठक होती हैं, तो जो बच्चा उनमें क्वालीफाई करता है जैसे रनिंग में क्वालीफाई किया तो उनको अलग कर दिया, और जो डिसक्वालीफाई हुआ उनको अलग बैठा दिया। तो जो डिसक्वालीफाई होता है रनिंग में वो आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाता, तो जिसने रनिंग की है वो आगे पुशअप्स करेगा, फिर पुशअप्स कंप्लीट हो गए तो फिर उठक बैठक करेगा। सर यही प्रोसेस होता है। तो चलिए सर से जानते हैं कि भाई रनिंग को आप 1600 मीटर रनिंग को आप 7 मिनट में या 6.5 मिनट में कैसे कवर कर सकते हैं। सर पहले तो सर मतलब इतना कोई हार्ड नहीं होता है, जैसे अगर हम आर्मी के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ मतलब कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि जैसे शुरू के 5 बजे 10 बंदे डालते ही वो बंद कर देते हैं लाइन, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होता। लेकिन जैसे आर्मी का है या फिर सॉरी एयरफोर्स का या फिर नेवी का जो 1600 मीटर की रनिंग है, उसमें मतलब प्रॉपर टाइम मिलता है। अगर 7 मिनट टाइम है तो वो आखिरी सेकेंड तक वेट करेंगे कि भाई वो बंदा आ रहा है, उसके बाद ही वो अपना रस्सी खींचते हैं। तो इसमें सर मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाता है जो मतलब आखिरी में बंदे पहुंचते हैं। और इतना सर कोई हार्ड नहीं है, मतलब अगर कोई बंदा मतलब लगभग डेली कम से कम 2 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी चाहिए बंदों को, क्योंकि सर मतलब उधर भी काफ़ी बंदे होते हैं जो रनिंग नहीं कर पाते हैं,
तो उसके लिए मतलब रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए 2 किलोमीटर की कम से कम। और उसके बाद सर फिर मतलब और बिना रेस्ट के फिर वो पुशअप्स भी लगवाते हैं, सिट उठक बैठक भी लगवाते हैं, तो उसके लिए मतलब फिर उन दोनों की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कम से कम मिनिमम 30 पुशअप्स तो एक आदमी अपने टाइम में कर लेना चाहिए और लगभग 40 से 50 उठक बैठक, तभी वो वहाँ पे मतलब क्लियर कर पाएगा बिना रेस्ट करे। क्योंकि रनिंग के जस्ट तुरंत बाद काफ़ी थकावट होती है बॉडी में, तो एक एक पुशअप मारना भी बहुत हार्ड रहता है, तो इसलिए मतलब उन तीनों चीज़ों की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो सर ये बताइए कि जैसे रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो उसी टाइम इश्यू होता है एडमिट कार्ड फिज़िकल के लिए, तो लगभग 1 महीने का गैप होता है, तो आप ये बताइए कि एक नॉर्मल बंदे को कब से रनिंग स्टार्ट करनी चाहिए? जब एडमिट कार्ड आता है तब 1 महीने के गैप में कवर कर सकता है, या 1-2 महीने का लगभग टाइम चाहिए उसको रनिंग के लिए और पुशअप्स वगैरह के लिए? वो सर मतलब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना मतलब मेहनत कर सकता है। रनिंग करने के लिए 1 महीने में भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है जैसा बताया कि, और अगर कोई बंदा नॉर्मली भी करे तो 1 महीने में सर हो जाएगा, या फिर उससे भी कम में हो सकता है, क्योंकि जैसा कि पूरा टाइम दिया जाता है वहाँ पे, तो सर मैक्सिमम बंदे तो रनिंग क्लियर कर ही लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 1 महीने में नहीं कर पाऊंगा, तो आप रिटर्न रिजल्ट के 1 महीने पहले से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप 2 महीने में अपनी उठक बैठक पुशअप्स और रनिंग को इतना सही कर लें कि भाई आप वहाँ कैसा भी ट्रैक हो आप इजीली वहाँ पे दौड़ पाएँ। जैसे सर आप ये बताइए कि जैसे आपका दिल्ली में फिजिकल था नेवी के लिए, तो वहाँ पे ट्रैक 400 मीटर का था या 800 मीटर के 2 चक्कर थे? जी नहीं सर, इसमें ट्रैक का कुछ फिक्स नहीं था, हमें मतलब उनका जो रेजिडेंशियल एरिया था जहाँ पे मतलब उनका ट्रेनिंग बेस है, तो वहीं पे उनका रोड वगैरह थे, या फिर तो हमें तो मतलब 3 चक्कर मरवाए थे, तो मतलब कोई फिक्स रोड नहीं था, एक ग्राउंड का के बीचों बीच गए थे, उसके बाद फिर उनका जो रोड था उस पर 1 चक्कर मरवाया, तो उस तरीके से कोई फिक्स रोड नहीं था। और एयरफोर्स का भी मैंने करा था, तो उसमें भी सर रोड पर उन्होंने दौड़ाया था, कोई फिक्स नहीं था। और सर कहीं कहीं ट्रेनिंग जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में होता है कि वो रोड पे दौड़ा देते हैं, मतलब जो नॉर्मल रोड्स होते हैं उन्हीं पे ट्रैफिक थोड़ी देर रुकवा के उनको ही फिजिकल लेते हैं, मतलब 800 के 2 चक्कर मरवाते हैं, तो ये भी होता है सर। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल अम्बाला का देता हूँ कि अम्बाला में क्या होता है कि एक तो एयरफोर्स स्कूल है वहाँ पे, उनका एक प्लेग्राउंड है, फुटबॉल का प्लेग्राउंड है वहाँ पे, तो उसका एक ट्रैक बना रखा है, लगभग वो 400 मीटर भी नहीं है, शायद 380 के करीब है, तो उसी के 4 चक्कर मराते हैं, कह देते हैं कि भाई ये 1600 मीटर है, तो वहाँ पे बंदे इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं दौड़ को। एक उनका जो रनिंग का जो प्लेस है रनिंग के जहाँ पे वो रनिंग कराते हैं, वो है कि जो उनका एयरफोर्स स्टेशन है अम्बाला का, जहाँ पे आपने देखा होगा रफेल वगैरह की लैंडिंग हुई थी, तो वहाँ पे रनिंग कराते हैं वो। वहाँ पे भी ये मान लो कि 2 चक्कर ही मराते हैं, पूरा लंबा ट्रैक है उस पर, तो वहाँ भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। रनिंग को ऐसे कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, ना रनिंग इंडियन नेवी में डिफ़िकल्ट है, ना इंडियन एयरफोर्स में। तो सर ये बताइए कि जैसे किसी बच्चे की रनिंग कंप्लीट नहीं हुई और वो डिसक्वालीफाई हो गया, तो उसको तो चांस नहीं दिया जाता शायद, लेकिन अगर कोई बच्चा पुशअप्स में डिसक्वालीफाई होता है कि मतलब उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, या 10 कंप्लीट करने तो उसने 8 ही कंप्लीट कर पाया वो, तो क्या दोबारा चांस मिलता है? हाँ जी सर, ये दोबारा चांस मिलता है, मतलब कुछ बंदों को जो पुशअप मतलब सही से तरीके से नहीं ला पाते, उनका पोजीशन गलत होता है, या फिर उठक बैठक में थोड़ा सा रह जाते हैं, तो उनको मतलब जिससे उस बैच का सबका फिजिकल हो गया, उसके बाद उन बंदों को अलग से बुलाया जाता है, और फिर उनको एक बार और चांस देते हैं कि भाई तुम अब कर सकते हो तो करो, तो उनमें से जो क्लियर कर लेता है फिर उनको मतलब एंट्री कर देते हैं, मतलब सिलेक्शन हो जाता है, उनका फिजिकल क्लियर हो जाता है, और जो नहीं कर पाता फिर उनको वापस भेज देते हैं, और मतलब 2 ही चांस मैक्सिमम मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलता सर। ठीक है, तो सर ये बताइए कि पुशअप्स मतलब कैसे होती है? लगातार 100 बंदों इकट्ठा पुशअप्स लगवाते हैं, या एक एक करके कराते हैं, कैसे का प्रोसेस होता है? सर जैसे जो आपने बताया था कि मतलब ग्रुप बनाते हैं वहाँ पे जाके, तो एक ग्रुप का सर रनिंग कंप्लीट हुआ, और उसमें ग्रुप में 20 बंदे भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, तो उनमें से जितने बंदों ने रनिंग क्लियर किया है उन सारे बंदों का रनिंग जस्ट कंप्लीट करते ही वो पुशअप पोजीशन में डाल देते हैं उन्हें, और फिर पुशअप मरवाते, फिर पुशअप से खड़ा करते, फिर सीधा उठक बैठक मरवाते हैं, मतलब बिल्कुल 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं देते वो।
ठीक है, तो भाई क्या होता है कि जैसे पुशअप्स में ऐसे 100 बंदे जो भी रनिंग वगैरह करके आए हैं उनको इकट्ठे खड़े कर देंगे, पुशअप्स पोजीशन में लगा देंगे, और फिर चारों तरफ ना जो सोल्जर होते हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स का फिजिकल हो या इंडियन नेवी का, चारों तरफ से सोल्जर खड़े हो जाएंगे, और वो अगर आप गलत करें तो पॉइंट आउट कर देंगे कि भाई आपकी ये पोजीशन गलत है और आप खड़े हो जाइए, या आप कर नहीं पाए तो वो बता देंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, खड़े हो जाइए, और आपको अलग कर देंगे, और जो पुशअप्स जो पूरा बैच है वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद अगर उनको लगता है कि भाई चांस देना चाहिए तो उनको चांस मिलेगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस होता है उठक बैठक का, जैसे ही आपने पुशअप्स कंप्लीट की तो आप उठक बैठक कर लेंगे, और उठक बैठक करते ही जिनसे तीनों क्वालिफाई कर दिया वो आगे, अगर इंडियन एयरफोर्स है तो आप SRT के और GD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आप इंडियन नेवी के लिए हैं तो आगे फिर आपका जो सेंटर है वहाँ पे लेके चले जाएंगे, और थोड़ी देर रेस्ट देके फिर आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। यही प्रोसेस होता है सर। तो चलिए फिर ग्राउंड में चलते हैं और देखते हैं कि पुशअप्स की राइट पोजीशन क्या हो सकती है। तो हम ग्राउंड में आ चुके हैं और सर बताएंगे अब कि पुशअप्स की राइट पोजीशन क्या होती है। तो जैसे सर बताएं, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मतलब जैसे आप 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करते हैं पुशअप्स की, तो स्टार्टिंग से यही पोजीशन लेके करिए, और जब आप 2 महीने बाद अपना फिजिकल को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आप इजीली 30 पुशअप्स लगा पा रहे हैं, और वहाँ पे तो 20 ही लगाने, तो आप इजीली पुशअप्स को क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए सर पोजीशन बताइए कैसे क्या होती है। जी सर, तो जैसे हमें बताया कि तुरंत रनिंग के बाद ही पुशअप मरवाते हैं, और सर मतलब पुशअप ऐसे मरवाते हैं कि कंटिन्यू पुशअप नहीं होता, हर पुशअप का लगभग वो अप डाउन बोलते हैं, तो हर पुशअप का लगभग वो 2 या 3 सेकंड का रेस्ट रेस्ट देते हैं। तो मतलब आप लोग उसी तरीके से प्रैक्टिस करें कि हर पुशअप के बाद 1-2 सेकंड रुके, उसके बाद दूसरा पुशअप मारे, टाइमिंग देखें। मतलब सर मैं आपको पोजिशन बता देता हूँ, सर सबसे पहले हमें नीचे बेंड पोजिशन में चल जाना है, और उसके बाद फिर हाथ हमारे शोल्डर विड्थ अपार्ट होंगे और पैर बीच में जुड़े हुए होंगे, और हमें सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है। तो हम सामने देखना है और वो फिर बोलेगा डाउन, तो हमें डाउन जाना है, और जब आप बोलेगा तो अप आना है, फिर 2 सेकंड का रेस्ट देगा वो, फिर डाउन, फिर अप। इस तरीके से हमें 10 पुशअप कंप्लीट करने हैं, और बॉडी बिल्कुल पैरेलल रहनी चाहिए। तो इस तरीके से 10 पुशअप सर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे आपने पोजीशन देखी कि जो सर की जो कमर थी वो बिल्कुल बैंड नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो कमर अगर वो आपकी ऊपर की तरफ होगी तो बोल देंगे कि भाई आपकी पोजीशन सही नहीं है, और पॉइंट आउट करके आपको साइड में कर देंगे। तो आपको ये बिल्कुल पोजीशन ध्यान रखनी कि जो सर के हाथ भी थे, जैसे सर पुशअप्स लगा रहे थे तो हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट थे, ऐसे टेढ़े नहीं थे, तो टेढ़े नहीं रहने चाहिए हाथ, और कमर की पोजीशन बिल्कुल सही रहनी चाहिए। तो ये थी पुशअप्स की, और अगला जो टास्क है वो है कि हमें उठक बैठक कैसे लगानी है वो देखते हैं। तो सर उठक बैठक कुछ बताइए। जी सर, उठक बैठक में हमें अपने पैरों को लगभग अपने शोल्डर विड्थ ही रखना है, और उसके बाद फिर हाथों को मतलब वो सर डिपेंड करता है, कुछ सेंटर पे अपना हाथ वो आगे रखवाते हैं या फिर कुछ पे पीछे रखवाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो जैसा मतलब उनका है, आगे रखना है तो हम आगे रख के नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे, और उसमें मतलब ज़्यादा बेंड नहीं करना, आगे नहीं झुकना, तो डाउन अप इस तरीके से। अगर हाथ पीछे रखवाते हैं तो उस केस में डाउन अप डाउन अप, हमें अपने पीठ को बेंड नहीं करना। इस तरीके से सर 20 उठक बैठक हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आपने उठक बैठक भी देख लिया कैसे करना है। तो जैसे सर ने बताया कि अलग अलग चॉइस होती है सेंटर की, अगर वो हाथ आगे रखे करवाते हैं तो हाथ आपके बैंड नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट रहने चाहिए, अगर पीछे लगवा रहे हैं हाथों को तो आपकी जो पोजीशन है बिल्कुल वो सही रहनी चाहिए, कमर का बैंड नहीं आना चाहिए बीच में। तो स्टूडेंट्स, जैसे ओवरऑल हमारे 3 टास्क कंप्लीट हो गए हैं, तो सर आप एक बार ये बता दीजिए, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन रूल बता दीजिए कि फिज़िकल कैसे क्वालिफाई करना, चाहे वो इंडियन नेवी का हो चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो। तो गोल्डन रूल तो यही होगा कि ये मतलब प्रैक्टिस कंटिन्यू करे, आखिरी मोमेंट का वेट ना करे कि मेरा रिटर्न क्लियर होगा उसके बाद ही मैं प्रैक्टिस करूँगा, और डेली कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करें, और कम से कम 25 से 30 पुशअप्स और 30 से 40 उठक बैठक मारें। और सर हो सके तो मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कंपटीशन बनाएं, क्योंकि जैसा कि देखा जाता है कि बंदों सोचते हैं कि 7 मिनट का टाइम है, 6.5 मिनट का टाइम है तो बहुत ईजिली हो जाएगा, तो उसमें ना बनाएं, कम से कम अपना रनिंग टाइम 5.5 से 6 के बीच में लाएँ, तभी वहाँ पर जाके, क्योंकि भीड़ रहता है, भीड़ में बहुत बार
बंदे पीछे हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं तो उनकी वजह से फिर उनका रनिंग कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मेन है सर कि कंटिन्यू प्रैक्टिस रखना पड़ेगा बंदों को तीनों चीज़ों की, तभी फिजिकल क्लियर हो पाएगा। तो आप टाइमिंग का ध्यान रखें, मतलब स्टार्टिंग के कुछ दिन तो नॉर्मली रनिंग करें 2 किलोमीटर, उसके बाद टाइम लगा के देखें भाई कितने टाइम में आपकी रनिंग आ रही है। तो अगर आपकी घर पे रनिंग 6:15 मिनट में 6:20 तक इजीली आ रही है तो आप वहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर लो रनिंग को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि भाई आपको फ़िज़िकल कैसे क्वालिफाई करना है, चाहे इंडियन एयरफोर्स का हो चाहे इंडियन नेवी का हो। तो सर ने पूरा प्रोसेस बता दिया, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा फिजिकल। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही हैं और रियल में जो वीडियो हैं जो आपके रियल में कुछ ना कुछ बेनिफिट देंगी आपके डिफेंस की तैयारी में, तो वो वीडियो हम लेके आ रहे हैं। तो धन्यवाद, कुछ ना कुछ सीखते रहे हमारे चैनल से और ऐसे आगे बढ़ते रहिए।